तो ये बताइए, आपने इन 10 सालों में गोरखपुर में कुछ बदलाव देखा? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव तो बहुत है भाई। 8 साल पहले जो आए थे, आज यहाँ देख रहे, ये सब कुछ नहीं था। बहुत सारा वो प्रोग्रेस हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जब ये सारे काम किसने किए? हाँ, जिसने किए, ये तो योगी जी, जब से आए तब से बहुत सारा विकास हुआ है। बाकी ठप ठप पड़ा था बीच में, तो उनके आने से बहुत सारा, और आगे आने वाली जो सरकार है उसमें भी जो अधूरा काम वो भी पूरा करेंगे, और एक गोरखपुर एक जो है पूरे यूपी में एक इतिहास बनेंगे। योगी जी से लोग खुश हैं यहाँ के काम से? भाई ये तो राजनीति है, इसमें खुश भी है लोग, ना खुश भी है कुछ। उनके काम में वो लगाते हैं, अड़चन लगाते हैं, कहते हैं ये किया वो किया, बहुत सारे लोग हैं। हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत काम किया गोरखपुर के लिए। अच्छा, ये बिल्कुल सही है, गोरखपुर उनका अपना वो है, अपना एक वो है। वहाँ से ही जो है उन्होंने एक राजनीति सीखी, आए वहाँ से आ करके फिर जो है योगी वो जो अवैधनाथ थे महाराज, उन्होंने वो लाए ला करके यहाँ पर जो है उनको उस माहौल में बनाया। उसके बाद राजनीति में आए, आने के बाद उन्होंने यहाँ की धरती को अपना समझा, अपना परिवार, अपनी फैमिली लेकर के चले। और ये उनको इस बात का वो है, फिक्र है, और ये प्रयास जारी है कि मतलब इसको गोरखपुर को एक हमको अलग बनाना, और ये चल रहा है। आने वाले दिन में सरकार बनेगी और काम होगा, और देखिएगा इस बार क्या। नहीं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम तो जो है योगी जी वो अनजान है, उनको कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, आप खुल के पूरा बता दीजिए। वो उनको नहीं मालूम है जिस तरीके से विकास, जो विकास पहले था, आज मैं देख रहा हूँ 5 साल योगी जी की सरकार हुई इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, पहले क्या था, तो मैं जान रहा हूँ ना। बहुत सारे लोग हैं इसकी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी। ये तो कह रहे हैं कि मुस्लिम तो इस बार जो एक तरफा, बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे राजनीति की बातें करते हैं, मुस्लिम एक तरफा अखिलेश यादव साइकिल पे जा रहे हैं। वो तो उसमें हमारे वहाँ भी जो है तमाम पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बहुजन में है, कुछ समाजवादी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हकीकत में जो मैंने देखा अपने लाइफ में, गोरखपुर का मैं भी पैदा हूँ, आज 50 ईयर्स की मेरी उम्र हो गई, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस और इतना ज़्यादा विकास नहीं देखा कहीं भी। हाँ, ये योगी जी की देन है, और आगे आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा होगा, काम होगा। ये तमाम सड़कें उड़कें जो कि बिल्कुल खंडहर थी, बिल्कुल जो है वो गड्ढा था, वो लखनऊ के उस पर दृश्य पर जो है बिल्कुल जो है पट्टी लगा करके इस तरीके तमाम रोड वोड सब बन रही है, सब विकास हो रहा है। अब क्या चाहिए भाई जनता को? तो यहाँ कोई हिंदू मुसलमान होता नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता है, बल्कि वहाँ देख लीजिए आप जाकर के, जीता जागता मिसाल है गुरु गोरखनाथ, वो जो वो है गोरखनाथ के एरिया है, वहाँ हिंदू से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं दाएँ बाएँ लेफ्ट राइट जो है मंदिर के। अच्छा। लेकिन वहाँ सारे लोग उन्हीं के हैं, और उनकी बातों को सुनते भी हैं, उनके अच्छे बुरे में योगी जी खड़े भी रहते हैं। अच्छा। हाँ, एनी टाइम कभी भी, बाकी कोई नहीं, योगी जी। हाँ, योगी जी साथ दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, कि योगी जी के बारे में मुसलमानों के प्रति ये है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उनके करीब जाओ देखो, वो जो है तुमसे ज़्यादा जो है और पार्टियों से अदरवाइज उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, हमदर्दी रखते हैं मुसलमानों के लिए, ये तो पॉलिटिक्स है, कभी इधर कभी उधर जाए। कुछ कहना चाह रहे थे? नो कमेंट। अच्छा, बस अब इसके लिए क्षमा चाहते हैं, टाइम बहुत हो गया। नहीं, लेकिन आप अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। जैसे कि बोला गया कि योगी जी से एक जगह सवाल हुआ कि आपका मुसलमानों से कैसा रिश्ता है, तो उन्होंने बोला कि जिस जैसा मुसलमानों का मुझसे, तो आप बताइए यहाँ के मुसलमानों का कैसा रिश्ता? नहीं, रिश्ता बहुत क्लोज है, बिल्कुल बता तो रहे हैं कि पारिवारिक एक संबंध है। आप जा करके देखिए वहाँ पर, वहाँ की जनता से, मंदिर के लेफ्ट राइट जितने भी महल्ले हैं मुस्लिमों के, मोहम्मदर एरिया में वहाँ जाइए आप। अच्छा। जिस तरीके से हम बता रहे हैं। अच्छा। उसी तरीके से वो भी प्रशंसा करेंगे, ये हकीकत। कहाँ पे है ये? आप अरे गोरखनाथ मंदिर देख रहे हैं? गोरखनाथ मंदिर के जो है लेफ्ट जाइए राइट जाइए, सब जो है मुसलमानों का मोहल्ला है, वहाँ जाइए पूछिए। अब योगी जी के बारे में बताते जो मैं बता रहा हूँ वही बोलना। आपका क्या नाम है? तनवीर आलम। का तनवीर आलम, तो तनवीर ये ठीक कह रहे हैं योगी जी काम पे? बिल्कुल सही, काम हुआ है बिल्कुल। अच्छा, हम तो यहीं कराने वाले हैं। अच्छा, तो कैसा काम हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है, हम तो संतुष्ट हैं। योगी जी को मुस्लिम वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसा नहीं है, देखिए जो है बहुत सारे वोट पड़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे या ना हो, बाकी सारे जो भी मुसलमान हैं सब अच्छे हैं, सब देंगे। परिवार में ही मतभेद रहता है, हैं नहीं को देंगे। गोरखपुर के मुसलमान योगी जी के साथ हैं? हाँ, आपकी पारी है, मामला कुछ है वो इस तरीके के, हम लोग भी घूम करके देख रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है, खास करके गोरखनाथ के जो मुसलमान हैं 100 नहीं तो 85%। हाँ, एकदम बिल्कुल साथ में,
यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम जैसा मुद्दा नहीं है, यहाँ विकास और जो काम है वो तो सब फिर राजनीति की बातें हैं, लोग कहते हैं यो ऐसा है वैसा है। बहुत ज़्यादा हुआ पाँच साल में, अभी जब योगी जी की सरकार पाँच साल पहले बनने वाली थी तो यही मुसलमान सहमा हुआ था कि इस तरीके से भाषण देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सरकार बनेगी तो मुसलमानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ पाँच साल में, उससे जो और पार्टियां थी उनसे अच्छा चला रहे हैं, ना कहीं राइट हुआ, ना दंगा हुआ, ना मुसलमान हिंदू के बीच में। उससे पहले की सरकारों के लिए लिया जाए तो क्या क्या हुआ, जिनके पीछे लोग घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं के टाइम में मुजफ्फरनगर उन्हीं की सरकार थी, क्या किया उन्होंने है? तो मैं इस बातों से एकदम, मैं भी इसको यकीन नहीं करता था, लेकिन मैंने खुद से देखा कि पाँच साल पहले क्या था आज क्या है। योगी जी कोई भेदभाव नहीं करते, हाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। मैं उनका कहना ये है कि मैं यार मेरी ये जो है मजबूरी है, थोड़ा सा राजनीति में ये सब चलता है थोड़ा बहुत। अच्छा, राजनीति में इस वोट के लिए, वोट के लिए हाँ थोड़ा सा चलता है कि मतलब मन से वैसा कुछ नहीं, ऐसा मन से कुछ भी नहीं है, ये मेरी मजबूरी है पॉलिटिक्स में रहना है, तो थोड़ा सा इधर उधर करके तो हम मुसलमान हिंदू मुसलमान के उसमें वो लेना जा करके हिंदुओं के साथ जो है अपना उनको इस तरह का बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ये है, लेकिन हकीकत ये वो हिंदू मुसलमान सबको लेके चल रहे हैं। और देख लीजिए पूरे पाँच साल में कहीं उठा के देख लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जो है वो पूरे ऑल स्टेट यूपी में जो है कहीं कोई राइट नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का।